आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको महादेव स्थली लोधेश्वर महादेव के मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ। लोधेश्वर महादेव का एक प्राचीन इतिहास है। इस मंदिर का शिवलिंग पृथ्वी पर उपलब्ध 52 अनोखे एवं दुर्लभ शिवलिंगों में से एक है। बम बोल की गूंज के साथ कंधों पर कमर लिए अनोख समूहों में जाने वाले भक्तों की टोलियां भगवान शिव के लोधेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहां भक्तों की इच्छा अति प्राचीन काल से पूरी हो रही है और आज भी हो रही है। आज भी लाखों लोग विभिन्न झुंडों में हर साल फागुन के महीने में अर्थात महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रसिद्ध शिवलिंग की पूजा करने और गंगा जल अर्पित करने इस स्थान पर आते हैं। यह प्राचीन शिव मंदिर जिला बाराबंकी की रामनगर तहसील के महादेवा गांव में घाघरा नदी के तट पर स्थित है। लोधेश्वर महादेव का एक प्राचीन इतिहास है। इस मंदिर का शिवलिंग पृथ्वी पर उपलब्ध 52 अनोखे दुर्लभ शिवलिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल से पूर्व भगवान शिव को एक बार फिर से पृथ्वी पर प्रकट होने की इच्छा हुई। पंडित लोधेश्वर अवस्थी एक विद्वान ब्राह्मण सरल दयालु और अच्छा स्वभाव वाला ग्रामीण था। एक रात भगवान शिव के सपनों में उसने दर्शन दिया। अगले दिन लोधेश्वर जो पुत्रविहीन थे अपने खेत में सिंचाई करते हुए उसने एक गड्ढा देखा जहां से सिंचाई का पानी पृथ्वी में जाकर गायब हो रहा था। उन्होंने उस गड्ढे को पाटने के लिए कड़ी मेहनत की लेकिन असफल घर लौटा। रात में फिर से उसी प्रतिमा को अपने सपनों में देखा और मूर्ति को फुसफुसाते हुए यह कहते हुए सुना कि उस गड्ढे में जहां पानी जाकर गायब हो रहा है मेरा स्थान है, वहां मुझे स्थापित करो, इससे मुझे तुम्हारे नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि अगले दिन जब लोधेश्वर उस गड्ढे की खुदाई कर रहा था तो उसका उपकरण किसी कठोर पदार्थ से टकराया और उसने अपने सामने वही मूर्ति देखी और उसमें रक्त स्राव हो रहा था जहां उनका उपकरण मूर्ति पर पड़ा था। यह निशान आज भी देखा जा सकता है। इस दृष्टि से लोधेश्वर भयभीत हुआ परंतु मूर्ति के लिए खुदाई जारी रखी, पर मूर्ति के दूसरे छोर पर पहुंचने में असफल रहा। उसने उसे जस का तस छोड़ दिया और उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जिसे अर्ध नाम लोधे और भगवान शिव के ईश्वर का नाम दिया गया। इस प्रकार भक्त के नाम अर्थात लोधेश्वर से प्रसिद्ध हो गया। तत्पश्चात ब्राह्मण को 4 बेटों का आशीर्वाद मिला, महादेवा, लोधारा, गौबराहा और राजनापुर के नाम दिए गए। इन नामों वाले गांव आज भी विद्यमान हैं। महाभारत में कई प्रकरण हैं जहां इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख है। महाभारत के बाद पांडवों ने इस स्थान पर महायज्ञ का आयोजन किया था। एक कुआं आज भी पांडव कुप के नाम से यहां अस्तित्व में है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं का पानी आध्यात्मिक गुण है और जो कोई इस पानी को पीता है उसकी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दुनिया भर में मेलों और जनमानस के एकत्रित होने वाले समूहों के इतिहास में महादेवा में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित मेला अद्वितीय है। इस त्यौहार के मेले के अवसर पर इस जगह पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं में एक भी महिला भक्त नहीं होती है।
लोधेश्वर महादेव मंदिर में कैसे पहुँचे? अगर बाई एयर आ रहे हैं तो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाराबंकी से 45 किलोमीटर दूर है, जो महादेवा से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। अगर ट्रेन द्वारा आना है तो बाराबंकी ज़िले के बुढ़वल जंक्शन रेलवे स्टेशन रामनगर तहसील मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जहां से महादेवा करीब 5 किलोमीटर दूर है। अगर सड़क मार्ग द्वारा आना है तो बाराबंकी ज़िले में रामनगर कस्बा महादेवा से 5 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें रामनगर कस्बे तक पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं। रामनगर टाउन से थ्री व्हीलर, जीप आदि जैसे स्थानीय परिवहन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध होते हैं। अब आज का मेरा प्राचीन शिव मंदिर का वीडियो समाप्त होता है। मेरे ऐसे ही प्यारे वीडियोस को देखने के लिए कृपया देखते रहिए कुमार हेमंत ब्लॉग्स। थैंक यू।